पाकिस्तान भर में पिशावर से मुल्तान तक इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करके हाई स्पीड कंपनी ने पाकिस्तानियों की जिंदगियां आसान बना दी। एक चार्ज में मीलों तक चलने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक्स कितनी रिलायबल हैं और इनकी क्या क्या प्राइसेस हैं? माहौल दोस्त है, लोगों को जो है वो बहुत बड़ी बचत हो रही है। पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हाई स्पीड इन बाइक्स के पार्ट्स भी डिलीवर करेगा ऑनलाइन। मेरे साथ ये जो मॉडल आप देख रहे हैं हाई स्पीड RM900 है। आपको बताते हैं कि इस मॉडल के साथ क्या क्या चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे आना होगा और हम आपको दिखाते हैं कि RM900 मॉडल में ये जो आपको सीट नज़र आ रही है, जब आप यहाँ से इसको प्रेस करते हैं चाबी को, इसकी की को, तो ये ओपन हो जाती है और ये सीट आपको ऐसे एक तरह से डैशबोर्ड का काम करती है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है। नंबर वन, आपको ये चार्जर मिल रहा है और ये चार्जर अगर हम खोलें, 220 वॉट का चार्जर है जो आम घर में चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है और ये 3 से 4 यूनिट बिजली सर्व करती है और एक बार में 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये आ गया जी इसका चार्जर। इस चार्जर के साथ आपको ये एक्स्ट्रा की मिल रही है। इस की में आपको बिल्कुल गाड़ी की तरह के फंक्शंस मिल रहे हैं, जिसमें लॉक है, लॉक अनलॉक करने के लिए है और साउंड का ऑप्शन है। ये जो की है आपकी, ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है और थेफ्ट यानी कि चोरी से आपकी बाइक को बचाती है। इसके साथ साथ आपको एक ये टूल किट मिल रही है जो कि कंपनी की तरफ से आपको दी गई है, ताकि अगर कभी आपकी बाइक में कोई इशू हो, जो कि मसला हो जाए, तो आप इसको इनिशियली तौर पे खुद इसका काम कर सकें और बाकी जो है वो एक्सपर्ट के ज़रिए ही अपना काम करवाएं। अगर हम आपको थोड़े से इसके और फीचर्स दिखाएं, तो ये जो आपको LED नज़र आ रही है, इसमें इस वक्त ये गाड़ी पार्किंग में मौजूद है। पार्किंग में जब आप चाहेंगे कि ये ऑन हो जाए, ये चले, तो आप इसको प्रेस करेंगे और ये रेडी का ऑप्शन आ गया। अब ये डायरेक्ट चलेगी बिल्कुल ज़ीरो पे बग़ैर आवाज़ के। और इसकी मैक्सिमम स्पीड चेक करते हैं हम, ये 66 किलोमीटर पर आर इसकी मैक्सिमम स्पीड शो हो रही है। जब ये ऑन रोड जाती है तो ये 70 तक भी इजीली कवर कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं हाई स्पीड कंपनी के MD हसनैन अली चिश्ती साहब, जो के दिखने में बड़े कम उम्र हैं मगर काफ़ी जहीन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हसनैन भाई, हमें ये बताइएगा कि टेलजी कंपनी के साथ जो आपका जॉइंट वेंचर है, ये क्या टेलजी कंपनी के साथ कैसे रابطہ हुआ और कैसे इस वेंचर की तरफ गए आप? टेलजी कंपनी को कौन नहीं जानता, पूरे यूरोप के अंदर मशहूर है ये। दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि अराउंड 1.5 से 2 करोड़ यूनिट्स बनाती है। तो ये इन्होंने ख़ुद भी रابطہ किया था, हमारे जो इम्पोर्ट की पूरी R&D टीम है उनके पास गए थे। वहाँ पर जाके स्पेसिफिक इनके कोई 400 मॉडल हैं, तो वहाँ पे जाके मॉडल सेलेक्ट किए गए, उनको कस्टमाइज़ कराया गया पाकिस्तान के मुताबिक, फिर उनको लॉन्च किया गया। अराउंड कोई 1.5 साल की वर्किंग रही है हाई स्पीड की इसके ऊपर, और क्वालिटी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हाई स्पीड के अंदर। उसका सबूत मार्केट के अंदर है, जैसे हाई स्पीड इन्फिनिटी आपने देखी होगी रिसेंटली, बैटलो लॉन्च की है बैटलो 5 के नाम से। ये बताइएगा हसनैन भाई के पिशावर से ही आगाज़ क्यों किया इस कम्पेन का, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कम्पेन का? पिशावर से कोई ख़ास मोहब्बत थी, कोई ख़ास बिजनेस प्लान था, क्या इसके पीछे रीज़न है, पिशावर को ही सिलेक्ट क्यों किया? पिशावर हमारी फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट रही है। हाजी साहब हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ पर। यहाँ पे एक हाई स्पीड की रेपुटेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने KPK के अंदर ही लॉन्चिंग की है, आगे मज़ीद हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं पंजाब के बहुत सारे सिटीज़ के अंदर, सिंध के अंदर, हैदराबाद जैसे सिटी के अंदर, कराची के अंदर, सक्कर के अंदर, बहुत जल्द हमारी ओपनिंग होने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर सनान, जो के इस शोरूम के ऑनर हैं, उनसे भी बात करते हैं। उमर सनान, हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में ही क्यों आए, क्यों चूज़ किया इसको? हमने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि आगे फ्यूचर सारा इसका है और ये एक इको फ्रेंडली चीज़ है।
और इसमें ऐसे कि इसमें सारा ही बचत है, आप पेट्रोल के खर्चे से बिल्कुल अलग होंगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट आपके कट ऑफ हो जाएंगे इसमें, आप इसको एक बार लें चलाएं, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आप इस तरह है विदाउट कॉस्ट चलाएं इसको। हमारे साथ मौजूद है शोरूम के ऑनर, आइए उनसे बात करते हैं। आपको एक अरसा हो गया है हाई स्पीड के साथ काम करते हुए, 20 साल से आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई एंट्री है मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप और ये कैसे मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हाई स्पीड ब्रांड जो है वो तकरीबन मार्केट में 20 साल से अवेलेबल हैं और चल भी रही है, और माशाल्लाह बहुत नाम है हाई स्पीड का, पूरे पाकिस्तान में नाम है, और हमारा तकरीबन इनका साथ भी तकरीबन 20 साल का है। अभी एक नई एंट्री हुई है ईवी के हवाले से, क्योंकि अभी सारी दुनिया में जो है तो मामला जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, यहाँ पे तो मतलब पेट्रोल मोटरसाइकिल का बहुत उरूज भी था, ज़्यादा भी था, चल भी रही थी, लोगों का जहन भी था, लेकिन चूँकि अभी ईवी आ गई है तो ईवी में ये है कि लोग एक तो माहौल दोस्त है, दूसरी ये है कि लोगों को जो है वो बहुत बड़ी बचत हो रही है। बचत से मुराद ये है कि पहले लोग जब मोटरसाइकिल घर से निकालते थे तो सबसे पहले वो पेट्रोल पंप का रुख करते थे, अभी उनको ये मसला नहीं है, घर से निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन इसके ऊपर घूमते हैं, आगे आने वाला वक्त है जो मुझे नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह वो ईवी का वक्त है। और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट के हवाले से मैं कुछ बात करता चलूँगा, हमारी जो हाई स्पीड मोटरसाइकिल है वो टेलजी के साथ इश्तराक से जो है ना, जो चाइना की बहुत अच्छी कंपनी है, जहाँ तक हमने यहाँ पे लोगों को दिया है तो लोगों ने जो है ना तो अच्छा रिस्पांस दिया है, तो इंशाल्लाह अजीज इसमें और मज़ीद जो है तो नई एडिशन होने वाली है, और नए मॉडल्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत मॉडल आने वाले हैं, तो हमारा एक हाई स्पीड का तो शुरू से एक नाम है, एक मेयार है, तो इंशाल्लाह अजीज इसको भी बरकरार रखा जाएगा। मुजम्मिल अली शाह साहब जो कि हाई स्पीड कंपनी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुजम्मिल भाई, हमें ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके ऊपर आवाम का एतमाद अब तक इसलिए नहीं बन पाया कि ये ज़्यादा प्लास्टिक बॉडी में होते हैं और ये रिलायबल नहीं है, या लोगों का ये मानना है कि ये रिलायबल नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रिलायबिलिटी के हवाले से मैं लोगों को कहता हूँ कि एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर इंटरनेट पे जो भी हमारा वीडियो होता है, कंटेंट होता है, हम चाहते हैं लोगों को बोलें कि फेंडर पे खड़े हों, गाड़ी पे जंप करें फेंडर के, उसके ऊपर उसकी प्लास्टिक, उसकी क्वालिटी, उसको आप बिल्ड क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, या इंटरनेट पे अमेज़ॉन पे या इंटायर वर्ल्ड में आप टेलजी के रिव्यूज़ देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। एंड सेकेंड थिंग, ईवी स्कूटी से मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों को मैं ये एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये ऐसी ही बाइक है जैसी आपकी बाइक डेली रूटीन में आप मोटर बाइक यूज़ करते हैं, ये वैसी ही बाइक है, इस पर आप सब काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपनी डेली लाइफ स्टाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या अपनी फैमिली रिश्तेदार के अंदर किसी भी तरीके से सामान अमान ग्रॉसरी करने इस पर जा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इसके पार्ट्स से रिलेटेड पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जो है इशू होता है पार्ट से, हाई स्पीड ने रिसेंटली हम लोगों ने साथ मिलकर, मैं जिस तरफ देखता हूँ ज़्यादा गौर फिक्र है कि हम कस्टमर की जो है मुश्किलात को हल करें, पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हाई स्पीड इन बाइक्स के पार्ट्स भी डिलीवर करेगा ऑनलाइन वाई व्हाट्सएप। आप हमारे नुमाइंदे को हाई स्पीड के ऑफिशियल पेज पे नंबर है, आप हमारे नुमाइंदे को मैसेज करें, इंशाल्लाह वो आपको हेल्प करेगा और आपके डोर स्टेप पे आपको पार्ट्स डिलीवर करेगा। नाजरीन, हाई स्पीड पिशावर से होता हुआ मर्दान पहुंचा, मर्दान से मुल्तान है, मुल्तान से अगली मंजिल लाहौर है, पूरा पाकिस्तान है। हाई स्पीड नेशनल बाइक बनता जा रहा है, नेशनल ब्रांड बनता जा रहा है बाइक्स की दुनिया में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में और हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि हाई स्पीड एक इफ्तिताह करने जा रहा है इग्निशन शोरूम पे मुल्तान में, जिसका आपको लोकेशन स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मेरे साथ मुकम्मल टीम मौजूद है, थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर फीता काट दिया जाएगा, रिबन काट दिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हाई स्पीड ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेलजी के साथ इश्तराक करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना नाम बना लिया है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। आप भी 2 लाख रुपए की प्राइस से हाई स्पीड की बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाई स्पीड की एंट्री हो चुकी है मुल्तान में, ये सफ़र का आगाज़ हुआ था पिशावर से जो कि मर्दान जाके पहला पड़ाव किया, और अब मुल्तान है, नेशनल ब्रांड हाई स्पीड यहाँ पर भी आ चुका है और इफ्तिताह कर दिया गया है। आइए बात करते हैं सर, आप कैसा देख रहे हैं
के हाई स्पीड और टेल जी कंपनी के इश्तराक से मुल्तान इग्निशन में एक पंजे गाड़ दिए गए हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं और इस सब को कैसा देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। हाई स्पीड टेल जी जो लाई है तमाम कंपनियों से ये बेहतरीन क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिलशक आप देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ट्राई ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बाकी ब्रांडों से ये ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इग्निशन शोरूम के ऑनर बैरिस्टर मोहम्मद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। इग्निशन जब हमने बनाया तो हमारी सबसे पहली सोच थी कि हम यहाँ पे क्वालिटी देंगे और कस्टमर सर्विस आफ्टर सेल्स जो होती हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, और उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी कंपनी है वो हमने देखा कि वो हाई स्पीड ही है जो आफ्टर सेल्स भी लोगों को पूरी तरह से पार्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इग्निशन ने ये देखा कि क्वालिटी बाइक की सबसे बेहतरीन जो है वो हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बाइक्स में जो वैरायटी है इनके पास ईवी के अंदर और दूसरे दीगर बाइक्स जो हैं उसके अंदर हाई स्पीड का जो है मुवाजना किसी दूसरे से नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने हाई स्पीड को चूज़ किया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हाई स्पीड कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर मुदस्सिर लखानी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। देखें, एम तो एक यही है कि हम पाकिस्तान में जो है वो टॉपेस्ट ब्रांड में जो शामिल हो, जैसे कि हम बकाया मॉडल्स में जो है वो जंक्शन का इंजन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी टॉप वेरियंट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मॉडल में जो है वो जंक्शन का इंजन इस्तेमाल किया गया है जो कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, कॉन्फिडेंस डालता है, और उसी मकसद से हम टॉप वेरियंट में जाके हमने टेल जी से मुआहदा किया, क्योंकि दिया और बकाया कंपनीज भी जो हैं वो टफ हैं, दो तीन कंपनीज हैं जो अराउंड में सराउंडिंग में जो है वो कंपटीशन वाली है, तो उसी सोच को उसी एम को लेकर के हमें जो है वो एक्सक्लूसिव शोरूम पर जाना है ओवरऑल पूरे नेशन वाइड में, जैसा कि हमने पेशावर में मर्दान में किया, आज मुल्तान में, तो इसी तरह हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और सोच यही है कि हर कस्टमर को हर सिटी में जो है वो टेल जी हाई स्पीड के साथ रोड पर दौड़ते हुए दिखे। जो प्राइसेज हैं इनका मार्केट के साथ इन्हसार है या आपने कोई ऐसी खास प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि कस्टमर की जेब पर बोझ असर भी ना हो? देखिए, कस्टमर की जो जेब है वो तो हर प्राइस को जो है वो अफोर्डेबिलिटी में तब्दील कर देती है। ब्रांड की तरफ अगर जाएं तो वो पैसा खर्च कर लेते हैं, जैसे हम अगर ब्रांडेड कपड़ों की तरफ भी जाएं तो वो पसंद करके अपना एक जो है वो ब्रांड डोमिनेट करके वहीं जाता है परचेज़ करने। तो इसी तरह हमने क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है। आप अगर देखें हमारे मटेरियल की तो प्लास्टिक बॉडी ABS की है, और इसके अलावा बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं, ARS इंट्रोड्यूस है, हर मॉडल में आपके पास रिवर्स मॉडल है, और जिस तरह की स्टाइलिंग और डिज़ाइन है, और नंबर वन जो है वो ये कंपनी है टेल जी, तो इसी वजह से प्राइजेस हमने क्वालिटी को फोकस करते हुए और पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोड्यूस करवाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के एक मोटर डीलर जो कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस तरह के मामलात में काफ़ी अबूर रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जो आप लोग देख रहे हैं, हमने इसको रेवोल्यूशन का नाम क्यों दिया, ये एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है। आप जो है अगर थोड़ा अरसा पहले चले जाएँ, 20-30 साल पहले, जब लोग जो है वो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक की तरफ मूव कर रहे थे, उस वक्त भी क्या था, लोग ये कहते थे कि आप जो है वो 4 स्ट्रोक कैसे चलाएंगे, 4 स्ट्रोक चल ही नहीं सकती। इसी तरह से आज ये सवालात उठ रहे हैं, जो सवालात आज आपने मेरे से किए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कौन यकीन करेगा। सर, इसका जो प्लास्टिक है ये हार्ड प्लास्टिक है, फाइबर प्लास्टिक है, पूरी दुनिया प्लास्टिक पे मूव कर चुकी है, और जो पाकिस्तान है वो इस वक्त जो है वो इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन चुका है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चलेगा ये आपको हैरान कर देगा। रेहान साहब, आपको कैसा लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मेला सजा हुआ है यहाँ पे? बहुत खूबसूरत बाइक्स हैं, बहुत अच्छी इनकी लुक लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है देख के मुल्तान में। यार, ये मज़ा तो बहुत आया टेस्ट ड्राइव का, ये i500 मैंने इसकी राइड ली है, लेकिन बहुत मज़ा, मैंने इसको राइड को बहुत इंजॉय किया है, लाइक ये जो इसकी स्पीड थी और इसके मेरा कंफर्ट लेवल था वो बहुत मज़ा आया मुझे इस चीज़ का। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताएं कि इससे पहले भी किसी कंपनी की या किसी ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल चला चुके हैं? जी, मैंने बिल्कुल ईवी की चलाई है, उसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मज़ा आया उसका। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आपको दो इंतहाई खूबसूरत और दो इंतहाई जदीद रिमोट्स मिलेंगे जिनमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि थेफ्ट सेंसर्स के तौर पे काम करते हैं,
और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चोरी होने से बचाते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आपको दो इंतहाई खूबसूरत कीज भी मिलती हैं, और इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसकी 18 मंथ्स यानी 18 महीने की वारंटी क्लेम दिया जाता है कंपनी की जानिब से, और इसकी जो मोटर है उसका क्लेम भी 18 महीने का यानी के 1.5 साल का क्लेम कंपनी की जानिब से दिया जाता है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक इंतहाई खूबसूरत और मुकम्मल टूल किट भी फराहम की जाती है, और एक बार चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 140 किलोमीटर तक मुकम्मल सफ़र कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आपको एक इंतहाई खूबसूरत कंसोल बॉक्स भी दिया गया है, और इसकी जो लेदर की पोशिश है वो इंतहाई आरामदेह है, और आप इस पे सफ़र बड़े आराम से कर सकते हैं। जो इसके टायर्स हैं वो इंतहाई खूबसूरत और पायदार हैं। इसके साथ साथ तमाम मॉडल्स में आपको फ्रंट पे LEDs मिलेंगी, और इसके साथ साथ जो इसकी लाइट्स हैं वो भी रात के टाइम ऐसा समा बना देती हैं जैसे सामने रोशनी का सैलाब आ गया हो।